नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन और हेल्पबॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे आप जो बड़ा एलपीजी सिलेंडर है उससे छोटा सिलेंडर, इस तरीके का 5 केजी सिलेंडर में गैस कैसे भर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको पूरा पता चल जाएगा। और इस तरीके का जो गैस भरने का टेक्निक है वो आपको खुले एरिया में, ओपन एरिया में करना चाहिए, क्योंकि कोई भी भूल चूक हो गया तो कोई खतरा ना रहे, इस तरीके का एरिया में आपको करना चाहिए। तो ये मतलब गैस ट्रांसफ़र करने के लिए आपको जो जो चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस तरीके का एक जुगाड़ चाहिए। तो ये जो रेगुलेटर हमने यूज़ किया है ये है हाई प्रेशर रेगुलेटर, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। और इस तरीके का एक वाल्व मिलता है और इसमें दोनों सेट रहता है। ये जो सबसे ऊपर में रहता है ये 2 केजी का सिलेंडर में भरने के लिए होता है, और इसको ये जो है ये ओपन हो जाता है, देख सकते हैं। और ये ओपन होने के बाद ये 5 केजी सिलेंडर में लगता है, इस तरीके का 5 केजी सिलेंडर। तो इसको मैं लगा लेता हूँ और आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको पूरा पता चल जाएगा। और इस तरीके का कोई भी हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो 5 केजी का सिलेंडर है इसका ऊपर का जो ओवन है उसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप रेगुलेटर के नीचे से आपको ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद जब ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आपका जो ये दोनों नब है दोनों को बंद करना है, टाइट करना है, ठीक है। तो बंद करने के बाद आपको, मैं 5 केजी लगाऊंगा तो इसको हटा देना है और यहाँ पर आपको सेट करना है। इसको ऐसे सिलेंडर को ही घुमाना है, ठीक है। तो ये सेट हो जाएगा। और एक बात, यहाँ पर जब आप इसको सेट करेंगे तो थोड़ा बहुत गैस बाहर निकलेगा, तो उससे डरने का कुछ नहीं है। तो ये टाइट, ठीक से टाइट कर देना है। तो टाइट हो गया है। और एक बात, सिलेंडर में, एलपीजी सिलेंडर में गैस भरने के लिए आपको कुछ एलपीजी का कुछ फीचर्स आपको समझना होगा। एलपीजी का एक फीचर है कि अगर आप जितना तक गैस रहता है, मतलब सपोज इतना तक आपका गैस है, तो यहाँ से नीचे का पोर्शन लिक्विड फॉर्म में रहता है और उसका ऊपर का पोर्शन जो एलपीजी है वो गैस फॉर्म में रहता है। तो क्या होता है, जब हम एलपीजी मतलब भरेंगे तो सिलेंडर को उल्टा करना होता है, तो अभी लिक्विड फॉर्म ऊपर में आएगा और पाइप से होके यहाँ आएगा। और यहाँ पर देखिए 2 वाल्व दिया गया है, 2 नॉब। तो एक से गैस जो लिक्विड फॉर्म में अंदर आएगा, और लिक्विड फॉर्म में अंदर यहाँ पर आने के बाद कुछ जो एलपीजी है वो गैस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो गैस फॉर्म में जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट करेगा, और प्रेशर क्रिएट इतना करेगा कि यहाँ से जो एलपीजी आ रहा है उसको रोक देगा, कि एलपीजी आने, मतलब यहाँ से जो एलपीजी आ रहा है उसको इतना प्रेशर होगा कि उसको आने से बंद हो जाएगा। तो तब आपको क्या करना है, तब आपको जो मेन वाल्व है यहाँ से गैस आने का, ये नॉब को आपको बंद करना है और कुछ जो एलपीजी गैस है उस जो गैस फॉर्म है उसको ऐसे आपको ओपन करके बाहर निकल देना है। तो ये जो इसका वेट बहुत कम होता है, अगर आप 1 मिनट तक इसको गैस को निकालेंगे तो आपको 15 से 20 ग्राम गैस ही निकलेगा। तो आइए इसको अभी कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर कनेक्ट करने से पहले सबसे पहले ये जो दोनों नॉब है इसको दोनों को बंद करना है, और उसके बाद यहाँ पर जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर को ऐसे आपको कनेक्ट करना है, जैसे घर में जो एलपीजी का रेगुलेटर है सेम प्रोसेस है। इसको प्रेस करना है और इसको अंदर करना है और इसको छोड़ देना है, अगर नहीं जा रहा है थोड़ा प्रेस करना है यहाँ पर। तो ये हो गया, अभी रेगुलेटर ऑन नहीं करना है। उसके बाद जो मेन सिलेंडर है उसको ऐसे उल्टा करना है, उल्टा नहीं करेंगे तो गैस नहीं जाएगा और गैस का जो एलपीजी का जो गैस फॉर्म है सिर्फ गैस फॉर्म ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको उल्टा कर दिया है। अभी उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर रेगुलेटर आपको ऑन करना है, यहाँ पर रेगुलेटर ऑन करना है। तो रेगुलेटर ऑन करते देखिए गैस यहाँ से जा रहा है, पाइप का मोशन आप देख सकते हैं थोड़ा, तो गैस जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट पाइप इसलिए यूज़ होता है कि गैस जा रहा है तो दिख पाए थोड़ा। तो यहाँ पर जब ऑन हो गया है तो अभी इसको यहाँ पर जो वाल्व है, यहाँ पर जो वाल्व आपको दिख रहा है इस वाल्व को ओपन करना है। तो गैस देखिए जा रहा है, अगर आप जूम करके आपको दिखाऊंगा तो गैस देखिए जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ बूंद बूंद आपको दिख रहा है, ये गैस अंदर जा रहा है बड़ा सिलेंडर से, तो आपको थोड़ा बूंद बूंद दिख रहा है, तो कैमरे में ज़्यादा क्लियर नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको गैस अंदर करना है। तो यहाँ पर जब गैस भरेंगे थोड़ा देर बाद क्या होगा, यहाँ पर से गैस जाना जब बंद हो जाएगा तो इसको नॉब को बंद करना है। इस नॉब को बंद कर देंगे तो यहाँ से गैस जाना बंद होगा और यहाँ से आपको थोड़ा गैस यहाँ से बाहर निकलना होगा। तो यहाँ से आप 2 मिनट तक गैस, मतलब 1 मिनट तक गैस निकाल दीजिए। तो 1 मिनट जब गैस निकाल देंगे तो ये
गैस चला जाएगा, मतलब इसका जो टोटल प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ से फिर से गैस जाना स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं फिर से प्रेशर में गैस जा रहा है। आप यहाँ से साउंड सुन सकते हैं। तो ये जब गैस सिलेंडर भर जाएगा, तो सिलेंडर भर जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इस जो बड़ा सिलेंडर है 14 kg का सिलेंडर है, तो इसको सीधा कर लेना है। सबसे पहले उसको ओपन नहीं करना है, सबसे पहले इस सिलेंडर को सीधा कर लेना है। तो सीधा कर लेने से क्या होगा, जो पाइप के अंदर जो गैस है वो भी इस सिलेंडर के अंदर चला जाएगा। तो इसको सबसे पहले सीधा कर लेना है और इसको नॉब को फिर से ओपन करना है। तो थोड़ी देर मतलब 10 से 20 सेकंड रखना है। तो क्या होगा, इस जो पाइप में जो जितना भी पाइप में लिक्विड फॉर्म में गैस है जिसका वेट बहुत ज़्यादा है वो अंदर चला जाएगा। गैस जब चला जाएगा तो यहाँ पर जो मेन रेगुलेटर है उसको बंद कर देना है, और मेन रेगुलेटर बंद करने के बाद यहाँ पर जो नॉब आपको दिख रहा है इसको बंद करना है, इस नॉब को बंद करना है। और बंद कर लेने के बाद यहाँ से आपको इसको घुमा के ओपन करना है। तो इसको घुमा के समय थोड़ा बहुत गैस बाहर आएगा, फिर डरना कुछ नहीं है। तो ये ओपन हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद पाइप में थोड़ा बहुत जो गैस होगा उसको फिर से इसको ओपन करके निकाल देना है। तो उसको निकल लेने के बाद आपको इस रेगुलेटर को भी ओपन कर लेना है। तो ये ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप गैस भर सकते हैं। और उसके बाद और एक बात, यहाँ पे जो आपको ओवन है 5 छोटा, इसमें एक देखिए राबर है। इस राबर को जितना बार आप यूज़ करेंगे, ओपन करेंगे, तो उतना बार इस राबर को जो वाशर है राबर का इसको चेंज करना पड़ता है। तो अभी के लिए मैं इसको सेट कर देता हूँ। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।